सलमान खान की एक्शन और ड्रामा फिल्म रेस 3 इन दिनों काफी चर्चा में है। रेस 3 को लेकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि वह ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन हाल ही में आई खबर के मुताबिक फिल्म के रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी और डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर कुछ खींचा तानी चल रही है। बताया जा रहा है कि थिएटर राइट जिसने कोट किए गए थे उससे कहीं ज़्यादा बताया जा रहा है। मूवी के राइट्स 130 करोड़ में दिए गए थे, लेकिन अब 150 करोड़ मांगे जा रहे हैं। फिल्म रिलीज के डिले होने में इससे बड़ा कारण भी माना जा रहा है। इन सब परेशानियों की वजह से फिल्म का ट्रेलर भी थोड़ा देरी से रिलीज किया जाएगा। वहीं रेस 3 में सलमान खान के अलावा जैकलिन, अनिल कपूर, बॉबी देओल, डेजिशा, शाकिब सलीम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म को रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया है, तो देखना दिलचस्प रहने वाला है कि इसका ट्रेलर कब तक आता है। वैसे इसका ट्रेलर इसी हफ्ते आने वाला है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो।